जन अभियान के तहत नगर निगम की 5 टीमें बाजारों में मास्क लगाने के लिए लोगों को कर रही हैं प्रेरित। निगम उपायुक्त के साथ लोकल सेल के अधिकारी भी कर रहे हैं जांच। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार के कोरोना संक्रमण के प्रति आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर नगर निगम अपनी सहभागिता निभाते हुए लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि जन अभियान के तहत निगम की 5 टीमें बाजारों में नियमित घूम घूम कर लोगों को मास्क लगाने की पालना कराने के साथ ही मास्क लगाने की सही विधि भी बता रहे हैं और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके निगम की टीम द्वारा चालान भी काटे जा रहे हैं। इस मौके पर निगम की ओर से लोगों को मास्क भी बांटे जा रहे हैं। आज मदार गेट, नया बाजार, आगरा गेट, पड़ाव आदि बाजारों में निगम उपायुक्त रलावता के साथ अन्य अधिकारियों ने दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया और मास्क लगाने की सही विधि भी बताई। सरकार की गाइडलाइन है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये जो मास्क लगाने का है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने नगर निगम ने 5 टीमें बना रखी है। 500 टीमें अलग अलग जगह जाती है और वहाँ जाकर के जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए मास्क लगाने के लिए उनको निवेदन किया है और तरीके से मास्क लगाना, नाक के ऊपर मास्क लगाना ये पूरा समझा रहे हैं और साथ ही जो नहीं समझा इसके बावजूद नहीं हो पा रहे हैं तो उन दुकानदारों की ओर के तो उन चालान भी काट रहे हैं और इनकी चालान भी काटे जा रहे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत आज ये हम गांधी भवन से लेके पूरा मदार गेट, कमंडस पूरा और शिवाजी पार्क तक का पूरा ये अभियान रखा है, इसी में आज किए जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, क्या कंटिन्यू जारी रहेगी? बिल्कुल, ये लगातार हमारी 5 टीम है और 5 टीम का अब तो हमने टाइमिंग फिक्स कर दिया है कि सुबह 9 से लेके 11 बजे तक 500 टीम जो भी फील्ड में अधिकारी हैं 500 ऐसी जगह घनी बाजार में, घनी बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में जाएंगे और जाकर के वहाँ मास्क लगाने के लिए निवेदन करेंगे, मास्क लगाना सिखाएंगे, अगर जो प्रॉपर नहीं लगा पा रहे हैं तो उनको सिखाएंगे। कार्रवाई बस अगर जो नहीं लगा, बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं, लगभग हमारी हर टीम है तो कम से कम 100 के आसपास हमारी रोज कार्रवाई हो रही है, रोज हम इस पे पेनल्टी लगा रहे हैं। वहीं लोकल सेल के SE राजेंद्र आहूजा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोकल सेल के सेक्रेटरी द्वारा मिले निर्देश पर अजमेर जिले में नगर निगम और नगर पालिकाओं द्वारा जन अभियान में कोरोना गाइडलाइन की कैसे और कितनी पालना लोगों को कराई जा रही है इसकी जांच करने के लिए वे आए हुए हैं। जाँच करने के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टीमें लगाई गई हैं जो ये जाकर के नगर निगम, नगर पालिकाएँ क्या क्या कर रही हैं उसकी जानकारी लेंगी और जानकारी लेकर उच्च अधिकारी को बताएंगे। तो इसमें आज मेरा ये पहला है और मैं अभी देख रहा हूँ, अभी आज से शुरू किया, एक हफ्ता में अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पूरे नगर पालिकाओं और परिषदों में मैं लूँगा। आप किसकी तरफ से आए? LSG लोकल सेल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब की तरफ। जो माननीय मंत्री महोदय ने उनको निर्देश दिए, CM साहब ने मंत्री महोदय को निर्देश दिए और उसके हिसाब से LSG सेक्रेटरी साहब ने DLB साहब की ऑर्डर के तहत है। तो कार्रवाई भी करोगे सर जो नहीं, अगर मास्क नहीं लगाता तो? जो वस्तु स्थिति से जानकारी देकर उनको बताया जाएगा, फिर जो भी उचित होगा वो देंगे।